Good morning, friends. Welcome again in the next video of his first flight. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सके। चलिए शुरुआत करते हैं अगेन। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी मदर को बुला रहा था, उसे मांग रहा था कि वो आए और उसे कुछ खाना दे। गा कूला शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और उसने भी उसकी आवाज़ का जवाब दिया। डिराइसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन डैट शी ही इज स्ट्यूपिड, यानी उसे ऐसा बता रही थी कि वो बेवकूफ़ है, नादान है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसे बुलाता रहा, आवाज़ें देता रहा। प्लेंटिवली एक्सप्रेसिंग सॉरो, यानी बहुत ही ज़्यादा गम के साथ। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट के बाद में वो खुशी के मारे उछल पड़ा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उसकी मदर ने एक फ़िश का टुकड़ा अपने चोंच में पकड़ लिया था और वो उड़कर उसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट आइगरली, और वो आगे की तरफ बढ़ आया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और वो अपने पंजे से उस रॉक को, उस चट्टान को मार रहा था, यानी टैप कर रहा था, बजा रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो कोशिश कर रहा था कि जब वो उड़ रही थी तो उसके करीब से करीब जा सके। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, लेकिन जब वो एकदम उसके सामने थी, अपोजिट में थी, तो वो वहाँ रुक गई। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स जो थे वो मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब उसके जो उसकी माँ के मुँह में जो मछली का टुकड़ा था वो लिटिल सीगल के पहुँच में था, वो उसे ले सकता था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एक लम्हे के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए वो ताज्जुब से वहाँ रुक गया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो परेशान हो गया कि उसकी माँ उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और बाद में इसके कि चूँकि वो भूख से बहुत पागल हो गया था, ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली की तरफ कूद गया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ के चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ गिर गया, इनटू स्पेस, खला में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, उसके बाद मॉन्स्ट्रस शॉकिंग, यानी बहुत ज़्यादा शॉक करने वाला खौफ ने उसे घेर लिया, सीज यानी घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो थम गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ एक ही मिनट बाकी रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और दूसरे ही लम्हे उसे समझ में आया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर फैल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स, और हवा जो है वो उसके पंखों के, उसके छाती के पंखों के पास से गुजर रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, उसके बाद उसके पेट के पास से, स्टमक पेट, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के खिलाफ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, और वो अपने पंखों की जो आवाज़ है उसे सुन सकता था, कटिंग थ्रू द एयर, जो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, वो अभी गिर नहीं रहा था नीचे की तरफ। ही वॉज सोरिंग, वो ऊपर की तरफ उठ रहा था। सोरिंग मूविंग अपवर्ड्स, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ उठ रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी बाहर की तरफ जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो अभी बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था, डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा अपने आप को ऐसा लगा कि थोड़ा वो बेइत्मीनान है। डिजी हैविंग एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, उसे लग रहा था कि वो बैलेंस खो देगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और उसके बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए,
फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाना, विंग्स यानी पंख, और वो ऊपर की तरफ उठने लगा, गा 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 कूला, उसने आवाज़ देना शुरू किया। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर उसके करीब से गुजरी, हर विंग्स मेकड अ लाउड नॉइस, और उसकी माँ के पंखों ने ज़ोरदार आवाज़ निकाली। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी मर्तबा चिल्ला कर अपनी माँ का जवाब दिया। देन इस फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर यानी उसका बाप उसके करीब से चिल्लाते हुए उड़ा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन उसके ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, करवेटिंग लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी हवा एक घोड़े की तरह छलांगे लगाना, करवेटिंग एंड बैंकिंग, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, यानी एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे करके उड़कर जाना। फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड फोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग यानी ऊपर की तरफ उड़ना एंड डाइविंग और गोता लगाना। अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।